मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और रेल चौक हम रुके हैं झंझैली से 2 किलोमीटर पीछे। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग यहाँ ठहरेंगे, तो रात को हम लोग पहुँचे थे 12 बजे के करीब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो हमने सोचा यहीं रेस्ट करते हैं। ये जो घर है मेरे बुआ की जो भांजी हैं उनका घर है, मतलब मैरिज हुई है भांजी की यहाँ पर, तो यहाँ हम ठहरे थे। और देखिए कितना सुंदर यहाँ का इनका घर है, यहाँ का व्यू है और बहुत ही सुंदर ये झंझैली वैली है। बहुत अच्छे घर है और सभी जो घर है मैंने आपको बताया छत वाले मिलेंगे, स्लेट के छत मिलेंगे आपको, तो हमारी तरफ अभी ये नहीं है। तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, 2.5 से 3 फुट यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है हर साल, तो इस वजह से ये ऐसी छत लगानी पड़ती है, तो इस पर बर्फ़ नहीं टिकती है, गिर जाती है। तो अगर रुकेगी भी तो नुकसान नहीं होता पत्थर को। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इन्होंने घर बनाया है और लकड़ी का यहाँ पर मोस्टली काम रहता है। तो बस यहाँ पर हम कर रहे थे थोड़ी बहुत बातचीत। और ये देखिए यहाँ पर मक्की पत्ता गोभी बहुत आपको ज़्यादा मिलेगी, पत्ता गोभी लगी है नीचे भी और मक्की बहुत ज़्यादा है इस तरफ को। मक्की का आटा यहाँ से हमारे रामपुर आता है बेचने के लिए, ये लाते हैं। तो देखिए आप गोभी लगी है, मक्की लगी है और सेब भी इस बेल्ट में बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो सामने पहाड़ी पर आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से हम आए थे कल, तो बस यहाँ से अब हम निकलने वाले थे। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत व्यू शेयर करते हैं और थोड़ा आपको इनका होम टूर करवा देते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो हाइट में जितने भी आपको घर मिलेंगे, जैसे किन्नौर साइड भी और हाइट में आपको जैसे घर मिलते हैं, उसमें ना लकड़ी की फ़िटिंग आपको मिलेगी, क्योंकि लकड़ी जो है वो सर्दियों में गर्म रहती है और गर्मियों में ठंडी होती है, गर्म नहीं होते हैं लकड़ियों वाले घर और सर्दियों में गर्म हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगा है ये चूल्हा, लोहे का चूल्हा इसे कहते हैं, कई लोग तंदूर भी कहते हैं। तो इस तरीके के चूल्हे अब बनते हैं, पहले मिट्टी के हुआ करते थे पर अब इस तरीके के बनते हैं, और मिट्टी वाले में ना धुआं हो जाता था बहुत ज़्यादा, तो उसकी रसोई अलग ही बनानी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है, इसमें पाइप लगी रहती है, धुआं चला जाता है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं लकड़ी की फिटिंग है। और ये है उनकी सासू माँ, जो बुआ की भांजी है उनकी सासू माँ, बहुत अच्छे हैं सब लोग और यहाँ पर इज्जत मान आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये है वो भांजी, तो ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और व्यूअर भी हैं, बहुत पहले से ये मेरी वीडियोस देखती हैं, हालांकि मैं इनको तब नहीं जानती थी, तो तब से ये देखते हैं और बहुत क्यूट सी हैं। एक बेटी है इनकी, वो भी कहीं चली गई थी तो उससे मैं आपको नहीं मिलवा पाई। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर है, मैंने कहा चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये सीढ़ी है, सगाह इसे कहते हैं, पुराने ज़माने में ऐसे होती थी, तो अब तो सीमेंट वाले घर बनाते हैं पर पहले ये ऐसी ज़रूर होती थी छत में, मतलब चलिए ऊपर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऊपर थोड़ा सा अंधेरा है, चलिए मैं आपको टॉर्च लगाकर थोड़ा दिखाती हूँ। तो ये देखिए छत है और छत के मतलब नीचे वाली जगह में ना पहले यहाँ पर चूल्हा हुआ करता था, पहले के ज़माने के जो घर होते थे तो यहाँ पर चूल्हा किचन यहाँ आपकी रहती थी, पर अब लोग स्टोर बना देते हैं। तो देखिए कितनी खुली जगह है और यहाँ पूरे में आपको स्टोर का सामान सारा दिखेगा। तो अब ये जो छत है, छत वाली जगह है, ये स्टोर का काम करती है और आप देख सकते हैं रूम बना सकते हैं आप यहाँ पर, और रूम जो है इसी तरीके के होते हैं जैसे देख सकते हैं आप, और लकड़ी की अलमारियाँ रहती है, ये देखिए आप सामने दिख रही हैं इनके पीछे, तो ये लकड़ियाँ दीवार, लकड़ी की अलमारी दीवार में ही फिक्स करी है। और इसी तरह के सारे रूम थे, तो सभी मैंने आपको नहीं दिखाए। और उसके बाद देखिए इनके घर के साथ ही एप्पल के वो है, मतलब पेड़ है, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ, आज नज़दीक से दिखाती हूँ। तो देखिए सेब लगे हैं और इनके यहाँ पर अभी मतलब पूरा नहीं पका है सेब, कच्चे हैं, छोटा साइज़ है अभी, क्योंकि हाइट है तो टाइम लगता है, अगस्त के बाद इनका सीज़न शुरू होता है, सेप्टेम्बर की स्टार्टिंग में, ऐसा ये बता रहे थे। और इनका साथ में ही बगीचा है और देखिए यहाँ पर करेले, खीरा और पत्ता गोभी लगाई हैं। तो ये कह रही थी तुम लोग ले जाओ अपने घर, मतलब होता ही है ना, बहुत अच्छे थे ये, सोच रहे थे क्या दूं, तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो। तो इन्होंने बुआ को और मेरे लिए सब्जी दे दी थी, पत्ता गोभी और करेले वगैरह अभी यहाँ नहीं लगे हैं। और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक और चीज़, ये देखिए और कितना, ये सेब का बगीचा है और ये नया ही लगा है बीच में, इसमें अर्लियर वैरायटी है स्पर, जो साल में ही आपको फल दे देती है, जैसे ये छोटे छोटे से पेड़ हैं तो इसमें एक साल में ही 18 से 20 दाने लग जाते हैं सेब के, एक ही साल के अंदर, वैसे तो चौथे साल सैंपल देता है सेब का पेड़।
और जो ये वाला है ये साल में ही दे देता है, पर इनकी जो उम्र है वो ज़्यादा नहीं होती ऐसा मैंने सुना है। तो देखिए एक और चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर धनिया लगा है और कितना अच्छा लग रहा है ना, और देखिए कितने अच्छे तरीके से लगा है। और बस अब ये इसे काटते हैं और फिर बेच देते हैं, बेचने के पर्पज़ से ये लगा है, पूरे खेत में है जितना ये सेब का बगीचा है पूरे इसमें धनिया धनिया लगा है, और शुरू में इन्होंने काट दिया है। और आगे देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ पर। और ये देखिए लकड़ियाँ जो है ये साल भर की एक साथ ही मतलब सर्दी का कोटा पहले से पूरा कर रखते हैं, तो ऐसे रख देते हैं ताकि भीगे नहीं। और ये देखिए इस तरीके के घर बनाते हैं ये स्पेशल घास के लिए। अब उन्होंने बताया था इसका नाम, मेरे दिमाग से निकल गया, तो इस पे घास ही रहेगा और गाय के लिए अलग से बनाते हैं। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा बहुत आपके साथ यहाँ से मैं शेयर करती हूँ। और देखिए कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा, बहुत ही सुंदर लगा और मैं बहुत खुश हुई, तो बहुत अच्छा है। दोबारा कहा था इन्होंने आने के लिए, तो जब भी आऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए आप कितना सुंदर है, और घराट भी था यहाँ पर, मतलब पानी से चलने वाली जो चक्की होती है ना घराट, वो भी यहाँ पर था। तो बस अब देखिए हम लोग निकल गए हैं, तो बस वही उतराई चढ़ाई जहाँ से मैं गई वहीं से मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो जाते हुए मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, कैमरा हिल जाता है, फ़ोन पूरा हिल जाता है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती चलती हूँ। तो पहले हमने चढ़ाई चढ़ी और उसके बाद अब हम उतराई उतर रहे हैं, तो जंजैहली से चढ़ाई शुरू हो जाती है ऊपर तक, टॉप तक जाकर अब टॉप से हम लोग उतर रहे हैं। और व्यू यहाँ का भी बहुत जोरदार है, बहुत उतराई उतरते उतरते बीच में आता है ये एक गांव, बहुत प्यारा है। और देखिए यहाँ पर भी वो वैसे ही घर बने हैं घास के लिए, और घर जो है मोस्टली लकड़ी के हैं, और छत आपको ऐसी ही मिलेगी ऊंची ऊंची सी, और देखिए मतलब डब्बे जैसे घर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे अंदर से ज़रूर देखने थे ये कैसे होते होंगे, तो बस बहुत सुंदर है। देखिए आप लकड़ी के मतलब बहुत कलरफुल पेंट किया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर भी कील्टे पे घास उठाते हैं, तो ये तो हमारी तरफ को एरिया आता है जो मंडी साइड था ना, वहाँ पर नैर चौक साइड, वहाँ पर सर पर घास उठाते हैं लोग, तो हमारे यहाँ पीठ पर उठाते हैं, चाहे जितना मर्जी भारी हो सर पर नहीं उठा सकते। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे से मतलब बने हुए घर, और बगीचा है यहाँ भी सेब का, और यहाँ पर सेब देखो आप कितने सारे सेब हैं, खूब पेड़ जो है वो भरे हुए हैं। तो उसके बाद हम सीधा पहुँच गए हैं छतरी, मतलब मैंने आपको सीधा ऊपर टॉप से उतरते छतरी पहुँचते हैं, तो छतरी बाज़ार में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मेरी कज़न है, उनसे मिलने में चली गई थी, तो मैंने कहा चलिए आपको भी बता देती हूँ। तो देखिए ये है छतरी बाज़ार, और आज से बहुत साल पहले मैं यहाँ आई थी अपने मामू के साथ, तब ये इतना फैला हुआ नहीं था, बट अब ये बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है। और ठीक है रेट, यहाँ पर रेट ठीक है, मतलब उतने नहीं हैं, और बाज़ार काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इधर उधर की, तो बाज़ार में रश रहता है बिल्कुल जैसे रामपुर मार्केट में रश था वैसा ही यहाँ था। और अभी टाइम जो है वो 10 बजे के 11 बजे के आसपास का ही हो रहा था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था, तो लोग इस टाइम बाज़ार आते हैं और बहुत रश हो जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बाज़ार है, आगे तक था, तो आगे तक हम गए, वहाँ से गाड़ी मोड़ कर आए और फिर मेरी कज़न से मिले, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि 5 मिनट मिले, आपको पता है ये बिज़ी है रोड, तो यहाँ पर गाड़ी लगाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में फिर वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगा। फटाफट से मैं उससे मिली, यहीं पर हमने गाड़ी लगा दी थी, उससे मिली, और उससे मिलने के बाद फिर हम यहाँ से आ गए वापस। अभी जाएंगे हम बुआ के, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने घर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो रात में
हम लोग मतलब 4 बजे के करीब हम पहुंच गए थे। बुआ पहले बुआ के पास गए, वहां से आगे मैं शेयर नहीं कर पाई। फिर वहां पर हमने लंच किया, उसके बाद हम शॉप गए, शॉप में सारा सामान उतारा। उसके बाद हम वहाँ थोड़ा बहुत सेटिंग करके रात में यहाँ आए, क्योंकि पापा की गाड़ी ले गए थे। तो रात में हम लोग यहाँ पर पहुँचे लेट, मतलब अंधेरा हो गया था तब पहुँचे। और रात में फिर नहाए, क्योंकि बाहर से आए थे आपको पता है। तो रात में आकर नहाए, कपड़े चेंज किए और उसके बाद खाना वगैरह खाया। बहुत लेट हो गई थी, बहुत थक गई थी। सफ़र आजकल डेली डेली हो रहा है, और यहाँ पर भी 2 दिन में थक गई थी, मतलब 1 रात 2 दिन आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर घर में काम था, फिर हम मंडी चले गए, और मंडी भी लगातार सफ़र में रहे। रात में वहाँ ठहरे, फिर आए, फिर सफ़र किया इधर को। तो पापा की गाड़ी ले गए थे, इस वजह से यहाँ आए। और बच्चे भी मैं यहीं छोड़कर गई थी, क्योंकि लावण्या तो पहले ही आ गई थी। तो सुजल ने कहा मुझे भी नानी के यहाँ जाना है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है सुजल भी। तो अभी सब कुछ हो ही गया, सब कुछ तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत अभी हो गया है। ये वाला रूम थोड़ी सेटिंग रहती है, क्योंकि अब वो पेंटर उस दिन से आए ही नहीं, काफ़ी 2 दिन हो गए उनको, तीसरा दिन है आज, वो नहीं आ पाए क्योंकि मैरिज थी किसी की, तो वहाँ उन्हें जाना था। तो बाहर बाहर से अब रह गया है। उसके बाद अब सेटिंग होगी। आज सिस्टर भी जा रही है, सिस्टर भी अब हफ्ता हो गया है सिस्टर को, तो वो भी निकल रही है अपने रूम शिमला के लिए। भाई आ रहा है उसे लेने, भाई शिमला जा रहा था, तो भाई के साथ ही वो आई थी और भाई के साथ ही वो जाएगी। तो हम जाएंगे अभी शॉप, हमें लगाना है सामान। और बहुत सारे कमेंट्स थे कि अपनी शॉप दिखाना, शॉप दिखाना। तो मैंने कहा था ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, तो दिखा दूंगी आपको मैं। अभी थोड़ा वहाँ सेटिंग होनी है, तो जैसे ही थोड़ी हो जाए मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि 6 से 8 महीने हो गए हैं हम लोग को ही सामान नहीं लेकर आए। पिछले बार लेकर आए थे, गर्म सर्दियों का माल आया था। उसके बाद आपको पता है गर्मियाँ जैसे ही थी, हमारा दिल्ली जाने का था कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे, और फिर लॉकडाउन लग गया 22 मार्च से, आपको पता है। तो उसके बाद सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, और दिल्ली जाना तो अभी मतलब बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हम लोगों ने किसी के थ्रू थ्रू सामान मंगवा लिया था, थोड़ा बहुत लेडीज़ भी मंगवाया है। तो वो अभी नहीं पहुंचा है, वो जब पहुंचेगा मैं आपको दिखा दूंगी सूट्स वगैरह। और जो जेंट्स का है और जो छोटा मोटा बच्चों का रहता है, वो वहीं से हम लोग लेकर आ गए थे, जहाँ से मामू लेकर आते हैं। तो चलिए अब अभी मैं नहाई हूँ, अब करूँगी मैं ब्रेकफास्ट, और अब हमें शॉप की तैयारी करनी है। और मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, और कैसा लगा आपको झंझैली गांव? बहुत सुंदर था जहां हम रुके, और बहुत ही अच्छा वहां का वेदर, क्लाइमेट, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो रिवालसर लेक वगैरह अभी हम नहीं जा पाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे। अब सेकेंड टाइम हम जब जाएंगे तो टाइमली जाएंगे, कि मतलब पूरा शेड्यूल वो करके जाएंगे। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का करती हूँ एंड। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।